नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम साहू, मेरे चैनल में स्वागत है। आज 26 फरवरी निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में जानेंगे और कुछ स्टॉक के बारे में जानेंगे, उसका उनका मूवमेंट कैसा रहेगा आज के दिन में और आगे आने वाला दिन में कैसे उनका बिहेवियर और कैसा उनका टारगेट, वो आज हम इस वीडियो में देखेंगे। आज चलते हैं आगे। कल निफ्टी 11,797 में बंद हुआ है और बैंक निफ्टी 30,432 में बंद हुआ है। तो हम निफ्टी 50 को पहले देखेंगे। निफ्टी 50 का वन डे कैंडल चार्ट है। वन डे कैंडल चार्ट में ये दिखाता है कि निफ्टी 50 का जो आरएसआई है, वो आरएसआई का ट्रेंड नेगेटिव और डाइवर्जेंस उसका है। उसका जो इंडिकेटर बताता है कि नेगेटिव की ओर, और वॉलिंजर बैंड का नीचे को अभी तक टच नहीं किया है और नीचे लाइन का हुआ 11,717 और यहाँ एक गैप भी है। अगर कोई भी स्टॉक या कोई भी इंडेक्स अगर गैप छोड़ के जाता है, वो गैप को भरने के लिए एक बार वो ज़रूर रिटर्न आता है, ये ध्यान रखिए। और आज का जो क्लोजिंग है 11,797, अगर इससे नीचे अगर कल खुलता है मार्केट तो एक नेगेटिव और इशारा होता है और ट्रेंड लाइन नीचे की ओर दर्शाएगा। फिर हमारा बोलिंजर बैंड के आसपास 11,700 हुआ उसका सपोर्ट जोन, वहां तक आ सकता है। जब तक हम 11,800 ऊपर रहेंगे तब तक हम सेफ रहेंगे। जब तक 11,800 से नीचे रहेंगे तब तक मार्केट नेगेटिव और दर्शाएगा। आइए हम चलते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी सेम है। बैंक निफ्टी के चार्ट निफ्टी 50 के चार्ट की तरह नहीं है, वो थोड़ा अलग है, जिसकी वजह से कि निफ्टी 50 अगर गिर जाता है भारी मात्रा में, बैंक निफ्टी होल्ड करके रखता है। इसका मतलब देखा जाए तो बैंक निफ्टी का आरएसआई जो है इंडिकेटर, उसका नेगेटिव डाइवर्जेंस है ये निफ्टी 50 के साथ है। और बैंक निफ्टी का गैप अप भी है जो 30,000 के आसपास है और बैंक निफ्टी 30,432 का कल क्लोजिंग दिया है। और ये देखना है उनका बोलिंजर बैंड 29,920 है। अगर बोलिंजर बैंड के पास अगर आज खुलता है गैप में, या अगर यहाँ वहाँ टच करता है, वहाँ एक बाइंग पोजीशन बनेगा। आप वहाँ सी खरीद कर सकते हैं 30,100-30,200 का 5 मार्च का खरीद कर सकते हैं। वहाँ से एक बड़ा सा मोमेंट, साफ मोमेंट दिखाएगा, क्योंकि ये गैप फिलअप हो जाएगा एक तो। दूसरा, आरएसआई भी बहुत नीचे आ चुका है और उस समय आपको बाइंग खरीदने का मौका मिलेगा। ये हुआ बैंक निफ्टी। आइए एक स्टॉक देखते हैं जो स्टॉक में मूवमेंट आएगा। अगर नेगेटिव स्टॉक देखे तो नेगेटिव एक देखते हैं, कोटा। हाँ, एक बात है, अगर आप किसी इंडेक्स में अगर आप किसी स्टॉक में अगर लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहते हो तो एक बढ़िया स्टॉक है, उसका नाम है गोल्ड बीज। ये गोल्ड बीज स्टॉक है जो इसका प्राइस चल रहा है 37.44 रुपीज़। आप इसमें लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं, ये आपके लिए बेस्ट सेविंग जोन है। आप CNC में खरीद कर रख सकते हो, जिसका जीरो दमा अकाउंट है वो CNC में रख सकते हैं, डिलीवरी में होल्डिंग करके रख सकते हैं। नमस्कार, आज का ये वीडियो कैसा लगा वो हमको लाइक और कमेंट करके बताएंगे। थैंक यू, नमस्कार।